कोई तुम्हारा चेहरा देखेगा ना तो समझ जाएगा कि तुम रो रही थी। स्पेशली चाची अगर उसने तुम्हें देख लिया तो क्या सोचेगी वो। एक काम करो, तुम ना कमरे में जाकर अपने चेहरे पे पानी छिड़को, फ्रेश हो जाओगी। जाओ। यहाँ कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में जाओगी तो लोग देख लेंगे। एक काम करो, तुम ना वो कोने वाले कमरे में जाओ, वहां कोई नहीं है, वो मेरा कमरा है, आराम से बैठो, फ्रेश हो जाओ, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहायत ही कमीना इंसान है, तो उसकी हालत का फायदा उठा रहा था। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। बेचारी दुखी थी, मैं क्यों मजबूरी का फायदा उठाऊं? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बुरा लगेगा ना उसे? अरे उसकी जगह कोई और लड़की होती तो उसे भी बुरा लगता। तुम ही बताओ, अगर एक पत्नी को ये पता चले कि उसके रिसेप्शन पे उसका पति किसी और लड़की के साथ गुलझर्रे उड़ा रहा है तो कैसा महसूस करेगी? लगेगा ही। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी साइड ले रहा था, मैं उसे समझा रहा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर भी तुम इस तरह बात करो मुझसे। रवि गरेवाल, मैं तुमसे कहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। वो खुद मेरे पास आएगी, खुद चल कर आएगी। देखो आ गई, बस कुछ पल की बात है, उसके बाद वो तुमसे नाता तोड़कर मेरे पास आएगी। जुबान खुल घूमते। अरे काम, चलो नीचे चलते हैं, सबके सामने ही करो। हाँ, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे चलो नीचे, अरे चलो ना। क्या हो गया? मेरा पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। एक दो ब्रेक मार के आता हूं पटियाले, फ्रेश हो जाऊंगा। कितनी अच्छी लग रही है हंसते हुए, मन तो कर रहा है कि अभी जाकर उससे बात कर लूं। मोंटिया डर मत, देख वो खुश है, अच्छे मूड में, अच्छा मौका है, डरता क्यों है? जाना। एक सेकंड में आती है। अरे संजय, क्यों बे मॉन्टी, यहाँ छुपकर तू लड़कियां ताड़ रहा है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है। रुक जा, तू अभी जाकर लड़कियों को बताता हूँ कैसे अपनी तू यहाँ पे आंखें सही कराए। पागल हो गए क्या? ऐसी बातें मत कर यार, लोगों के सामने ये सब मत बोल। शादी में बड़ा मजाक उड़ाया था ना तूने मेरा बेटा, अब देख कैसा मजा चखाता हूँ मैं। छोड़। ओए लड़कियों, तुम बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही हो, वहाँ एक लफंग का लड़का इतनी गंदी नजरों से तुम्हें देख रहे। तौबा तौबा तौबा, उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ जाओ पकड़ो उसे, मारो। क्या कहा है वो? उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें ताड़ रहा है? हाँ। किधर है बताओ मुझे, कहाँ है वो? तो क्या, अरे अरे संजू वहाँ पे कोई नहीं है, छोड़ो ना, निकल गया होगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? नहीं पल्लवी, आज उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, चलो तुम मेरे साथ। चलो चलो चलो। कहाँ गया? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? इतनी देर से खड़े खड़े हमें घूर क्यों रहे थे? तुम जैसे लड़कों को ना तो सैंडल से मारा। अरे अरे रुक जाओ। अरे तू क्या कर रही है? इस लड़की को मैं जानती हूँ, ये ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो लड़की को गंदी नजर से देखेगा। अरे ये बहुत ही अच्छा और सीधा लड़का है। पर पल्लवी, तू चुप कर, सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे इसकी आदत है शरारती करना, खामा खामा इसकी बातों में आ गए। अब तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। जा, मैं तेरे से कभी बात ही नहीं करूंगा। I'm really sorry. ये सब संजू की वजह से हुआ। I hope तुमने कुछ गलत तो नहीं समझा ना? नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। It's okay. पक्का ना? पक्का।
चलती हूँ, बाय। कथा है तुम दिक्कत कथा, लूजर का लूजर रह गया ना। इतना अच्छा मौका मिला था दो चार प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने का, लेकिन नहीं, चुपचाप बुद्धू की तरह उसके सामने खड़ा रह गया, जैसे जुबान पे तेरे ताले पड़ गए हो। बेटा मोंटी ऐसा अगर चलेगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा तेरी जिंदगी में, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। साक्षी। हाँ माँ। क्या बात है, तू तो परेशान क्यों लग रही है? नहीं माँ कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि दी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती और बस, और कुछ नहीं। जल्दी इसमें तरह सोचने वाली क्या बात है, जा थोड़ा समय मेरे लाडो के साथ बिता, अब जा। अच्छा माँ ये लो आपकी दवाई, आप ना पापा और ताऊजी के साथ जाके बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरी चिंता मत कर, तू जा लाडो के पास। ठीक है माँ। सबसे पहले तो साकेत को ढूंढती हूँ, मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। नजर नहीं आ रहा है, रवि को सारी बातें जाके बता देती हूँ। रवि, रवि भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करती हूँ दीविका दी को जाके बता देती हूँ सब कुछ। क्या वो तूने दीविका दी को कहीं देखा है क्या? नहीं, इनफैक्ट मैंने उन्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, पता नहीं कहाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल छोड़। अरे साक्षी सुनो, अभी स्टार्टर सर्व करते हैं, ठीक है? इधर आना। साक्षी। अरे आना। एक मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने देविका दिया, रवि दिया को कहीं देखा है? पता नहीं यार, मैं तो वहाँ पर खाने के लिए अरेंजमेंट कर रहा था, मुझे तो कहीं नहीं दिखे वो लोग। क्यों, क्या प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है तू जा। एक मिनट सुनिए, गए कहाँ तुम? मेरा नाम रवि गरवाल। I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। Actually, मैं किसी काम में फंस गया था। मैं हमेशा सबसे कहता आया कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता, और हर प्यार हो गया, और मैं तुम्हारे इस प्यार को हमेशा हमेशा अपने दिल में बसा के रखूंगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया रवि। Nobody does this to me, Mr. Ravi Grewal. Do you understand? Nobody. Nancy! Yes, ma'am. What the hell is this? The ice bucket is empty. Where's the ice? I will just bring it now. मेरे सारे नौकर मेरी बात मानते हैं, मेरी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। मेरा सारा स्टाफ मेरी मर्जी के आगे झुकता है, तो फिर रवि मेरी परवाह क्यों नहीं करता है? Hey दी, what's up? पता है आज मैंने क्या? Hey sis, what happened? आज आप दिन में ही ड्रिंक कर रहे हो और अभी तक ऑफिस भी नहीं गए, कुछ तो प्रॉब्लम है, बताओ ना क्या हुआ? नथिंग सी यार, तुम्हारे रिजल्ट्स का क्या हुआ? डिड यू डू वेल? मेरे रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी दीदी इंपॉर्टेंट है। पहले आप बताओ कि आपको हुआ क्या? आई हैव नेवर सीन यू लाइक दिस बिफोर। लेट मी गेस, आपको डैड ने कुछ कहा राइट? दी, अब जब से इंडिया से वापस आयो ना, आपका मूड हमेशा खराब रहता है। आप मेरे पहले जैसे निविधि हो ही नहीं, आप बहुत चेंज हो गए हो, और मुझे इसके पीछे का रीजन जानना है। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया में किसी ने कुछ आपको कह दिया हो? और सिया, इंडिया में कुछ नहीं हुआ था। Nobody played with my emotions. किसी ने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, all right? मैं इस वक्त
थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ, सो लीव मी अलोन प्लीज। इंडिया में आपके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप हर्ट हुई हैं, इसलिए आप इंडिया जाने से डरती हैं, राइट? डरती? मैं डरती हूँ सिया? डोंट यू नो मी? मुझ में इतने गट्स हैं कि मैं कोई भी सिचुएशन कभी भी कहीं भी हैंडल कर सकती हूँ। मैं इंडिया अगर नहीं जाना चाहती हूँ वो मेरा डिसीजन है, दैट्स इट। लिसन सिया, मैं इस बारे में सीरियसली बात नहीं करना चाहती हूँ, सो प्लीज जस्ट सिया डोंट इरिटेट मी एंड जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अगर आंसू आए तो अपने दोस्त को आवाज देना, झट से भाग कर आ जाऊंगा तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है रवि। एक वो वक्त था जब सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम पर करती थी। मुझे लगता था कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई है जिस पर मैं सबसे ज्यादा विश्वास कर सकती हूँ तो वो तुम हो। अपने आप से ज्यादा विश्वास किया, अपने परिवार वालों से ज्यादा विश्वास किया, हर चीज सिर्फ तुमसे शेयर करती थी। और तुमने क्या किया, मेरे विश्वास को ऐसा तोड़ा कि अब जिंदगी में कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। डर लगता है मुझे हर इंसान से, लगता है कि हर इंसान अब मेरे साथ सिर्फ बुराई करेगा। पता नहीं क्यों क्या तुमने मेरे साथ ऐसा, क्या पैसा इतना जरूरी था कि मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरा तुम पर भरोसा, किसी चीज का ख्याल नहीं आया तुम्हें? सच बोल रहा हूँ, मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। अरे पीछा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, अगर वो खुद मेरे बाहों में आ गई तो फिर मैं अपने आप को कैसे रोकूं? नहीं रोक सकता यार। देविका तुम्हें हो क्या गया, तुम समझ क्यों नहीं रही? साकेत इंसान के रूप में शैतान है, तुम कैसे विश्वास कर सकती हो उस पर? वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपनी आंखें खोलो देविका, सच्चाई को समझो और मेरी बात का यकीन करो। मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा उस शैतान से। बहुत सब्र किया, बहुत इंतजार किया देविका मैंने, लेकिन आज आज हम दोनों के बीच की दूरियां मुझे खत्म करना है। मैं आ रहा हूं देविका, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। आंटी जी, आपने रवि या देविका दी को कहीं देखा है? ले पुत्र, मैं तो खुद उन दोनों को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों के दोनों। मेहमान पूछ रहे हैं देविका को मिलाना है सबसे, रब जाने जी कितने चले गए। पुत्र ऐसा कर, तू उन दोनों को ढूंढ ले और जो मिल जाए ना तो फौरन मेरे पास भेजी। आओ जी आओ मेरे साथ। ये दोनों कहाँ चले गए? देविका दी अकेली है क्या? रवि उसके साथ है क्या? साकेत ने कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर दी? कोने वाला कमरा मतलब जो यहाँ से एकदम थोड़ा दूर हो, कोने में हो, यहाँ कोई आता जाता नहीं। देविका अकेली है, मजबूर है, कोई है नहीं उसके साथ। चुपचाप मेरी बाहों में आ गई तो अच्छा है। ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ? नहीं, मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे देविका दी को बचाना होगा। ये घटिया इंसान यहाँ आया क्यों है? कहीं देविका को लेकर इसका ये जुनून इसे खींच तो नहीं ले आया? हे भगवान, कहीं इसका पागलपन यहाँ कोई और हंगामा खड़ा ना कर दे। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ अकेले सबसे अलग गुमसुम के बैठी हुई है, और हाँ तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुझे कोई टेंशन। क्या बात है, क्या सोच रही है, मुझे बताना। वो
दरअसल साकेत का इस तरीके से रिसेप्शन में आना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और खास करके मेरे लाडू के आगे पीछे मंडराते रहना। आपको खुद भी पता है कि वो किस तरीके का इंसान है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे लाडू को लेकर फिर से उसके नियत में कोई खोट ना आ गई हो। बस यही बात मन को खाए जा रही है। देखा, इतना क्यों सोच रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि उस दिन संगीत और मेहंदी वाले दिन जो साकेत का रवैया था, जो उसकी हरकतें थी, उससे तुझे एक खौफ बैठ गया तेरे दिल में। तेरे दिल में एक वहम बैठ गया कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तू इन बातों को लेकर क्यों सोच रही है? इतना तेरी सेहत खराब हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी बहुत। तेरी सेहत तो खराब नहीं कर रही ना, तू मत सोच ऐसा। इस वक्त मेरे लिए मेरी सेहत से ज्यादा मेरे लाडू की सलामती मायने रखती है। मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि साकेत यहाँ आ चुका है, कहीं वो रवि और देविका के बीच में कोई गलत फहमी आना पैदा कर दे। वो तो हमेशा से ही चाहता था, उसकी तो यही शिद्दत थी कि वो मेरी लाडू से शादी कर ले। लेकिन अब तो शादी रवि से हो चुकी है और साकेत पागल हो चुका है। ये बात वो समझ नहीं पा रहा है। ये पागल आदमी अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस मुझे यही डर खाए जाता है। और फिर आप भी तो जानते हो कि मेरे लाडो और रवि ने एक दूसरे के साथ वक्त कहाँ गुजारा है। जब से उनकी शादी हुई है तब से लेके अब तक इन दोनों पति पत्नी को वक्त ही कहाँ मिला है एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, एक दूसरे के साथ बात करने का। इससे पहले कि साकेत अपने कोई नई चाल चला बैठे, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे लाडो और रवि के बीच में ऐसा प्यार हो जाए, ऐसा विश्वास का अटूट बंधन बन जाए कि चाह कर भी कोई भी इन दोनों के बीच में ना आ पाए। हर बार मौका हाथ से निकल गया, लेकिन इस बार नहीं। इस मौके को अपने हाथ से जाने दूंगा ही नहीं। मैं किसी चीज के लिए इतना तड़पा ही नहीं हूं कभी। हर लड़की को अपने इशारे पे नचा है मैंने। किसी लड़की को अपने दिल और दिमाग पे इतना हावी होने नहीं दिया मैंने। लेकिन इसने मुझे पागल बना दिया। प्यार जो हो गया मुझे, उसे हासिल करके अपना एक जुनून ही खत्म कर देता। प्यार से मानी तो ठीक है, वरना जबरदस्ती सुहागरात मना लूंगा। और उसके बाद रवि का रिवाज जिंदगी भर रोता रहेगा कि सेकेंड हैंड बीवी मिली है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस अंधेरे कॉरिडोर के कोने वाले रूम में मैं क्या करने जा रहा हूं। कितना अच्छा होगा अगर देविका खुद मेरी बाहों में आ जाए। कोई ना कोई तो चाहिए प्यार करने वाला, मैं क्यों नहीं। कितनी अजीब सी बात है, कभी कभी हम इंसान को पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर देते। गलत तो हमेशा रवि था, अब उसका असली चेहरा सामने आया है मेरे। पता नहीं क्यों उसने इतना सब कुछ किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। और एक पल भी नहीं सोचा कि सिर्फ पैसों के लिए वो क्या कर रहा है मेरे साथ। क्या फायदा ये सब सोचने का, अब कुछ नहीं बदलेगा। अब मेरे दर्द कभी कम नहीं होंगे। आ गई देविका, सब जगह देख चुका हूं पर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही। सब लोग यहीं पर हैं, पर देविका कहां गई? कहीं नाराज होकर घर तो नहीं चली गई? नहीं रवि, वो घर नहीं जा सकती, चाबी तो उसके पास है नहीं। तो फिर गई तो कहां गई? मैं किससे पूछूं, मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, विकास भैया से पूछता हूं, शायद उनको मालूम हो। भैया आपने देविका को देखा? नहीं तो क्यों? मंडी तुमने देखा? मैंने भी नहीं देखा भैया। अरे यही कहीं होगी यार। क्या जी, पहले कहां चली गई है?